हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने देश की नॉन एसी वंदे भारत ट्रेन के ऊपर। जी हां, वंदे साधारण एक्सप्रेस के ऊपर। आप सभी जानते हैं वंदे साधारण को अक्टूबर के एंड तक लॉन्च किया जाना है, तो इसके लिए यहां पर काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। लेकिन आप लोग देखेंगे अभी बीच में एक के बाद एक वंदे साधारण एक्सप्रेस की इमेजेस निकल कर सामने आई हैं कि आउटडोर में ये ट्रेन किस तरीके से दिखाई देगी। लेकिन अब आपको मैं लेके चलता हूँ इस ट्रेन के अंदर और दिखाता हूँ कि इस ट्रेन के इंटीरियर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि इमेज निकल कर सामने आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, इसी तरीके की अपडेट देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट। दोस्तों, शुरू करते हैं लोकोमोटिव से। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर कुछ इमेजेस निकल कर आई हैं इस वंदे साधारण के पुष्पुल लोकोज की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर फ्रंट डिजाइन है वो एरोडाइनेमिक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक WEP5 लोकोमोटिव है जो कि स्पेशली वंदे साधारण एक्सप्रेस के लिए ही डिजाइन किया गया है और ये वंदे साधारण एक्सप्रेस में ही लगेगा। अगर मैं बात करूँ लोकोमोटिव की, तो ये पुष्पुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलने वाला है, यानी ये ट्रेन वंदे साधारण पुष्पुल रहने वाली है और एक्सेलरेशन इस ट्रेन का काफी फास्ट रहने वाला है। दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं इसके कोचेस के ऊपर। तो यहाँ पर इसमें स्लीपर और जनरल के कोचेस रहने वाले हैं। अगर हम लोग देखें तो टोटल 22 कोच की वंदे साधारण ट्रेन होगी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को एक SLR का कोच देखने को मिलेगा, उसके बाद 4 जनरल सिटिंग के कोच होंगे, उसके बाद 12 स्लीपर क्लास के कोचेस होंगे, और उसके बाद आप लोगों को 4 जनरल सिटिंग के कोचेस देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आप लोगों को एक SLR का कोच देखने को मिलेगा, और इसके दोनों एंड में पुष्पुल लोकोमोटिव लगाए जाएंगे WEP5 जो कि स्पेशली डिजाइन है एरोडाइनेमिक के हिसाब से यहाँ पर वंदे साधारण ट्रेन के लिए। तो चलिए, कोच के अंदर चलने से पहले आप लोगों को एक बार और आउटडोर डिजाइन दिखा देते हैं। तो एक ये इमेज निकली थी और एक इमेज ये भी निकल कर आई है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे इस ट्रेन की मैक्स परमिसिबल स्पीड यहाँ पर 130 किलोमीटर पर आवर की ही लिखी हुई है। वैसा क्यों है वो तो रेलवे जाने, क्योंकि यहाँ पर अगर ये LHB कोच है तो इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक की रह सकती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर दिखाने से पहले आपको बता दूं, मुझे जो इंटीरियर का डिजाइन मिला है वो मिला है मुझे मीडिया रिपोर्ट से। तो चलिए दिखा देता हूँ। आप लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में आप लोगों को 2 लोअर और 2 अपर बर्थ देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आप लोग राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2 साइड लोअर बर्थ देखने को मिलेंगी। अपर हिस्से में यहाँ पर आप लोगों को लगेज रखने के लिए मिल जाएगा हिस्सा, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे बीच में यहाँ पर जो चलने की जगह है उसमें आप लोग देखिए दोनों साइड यहाँ पर व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, और बीच के हिस्से में यहाँ पर सरमाइका डिजाइन का कुछ यहाँ पर डिजाइन दिया गया है ट्रेन में। और यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ये नॉर्मल जनरल क्लास है, तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर मॉडिफिकेशन तो देखने को मिल रहा है। आप लोग थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर जो गेट है इसका वो यहाँ पर वंदे साधारण का ही लग रहा है, और बाहर से भी आप लोगों ने देखा था डिजाइन पूरा जो यहाँ पर गेट है वो ऑरेंज कलर का ही है, बल्कि नॉर्मल LHB कोच में आप लोगों को डिजाइन अलग देखने को मिलता है। जैसे ही ऑफिशियल से कुछ जानकारी आएगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर देखा जाए इस ट्रेन के अंदर आप लोगों को कोचेस के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखा जाए जो गैंगवे है वो यहाँ पर सील्ड कर दिया गया है, और यहाँ पर जो कपलर्स हैं वो काफी बेहतरीन लगाए गए हैं, आप लोगों को जर्क नहीं लगेगा यानी झटका नहीं लगेगा ट्रेन में, और साथ ही में यहाँ पर आप लोगों को फोल्डेबल स्नैक टेबल देखने को मिल जाएगी, आप लोग उस पर रखकर खाना खा सकते हैं, और यहाँ पर जो मोबाइल चार्जर है उसके लिए होल्डर, और यहाँ पर बॉटल के लिए भी आप लोगों को फोल्डेबल होल्डर मिल जाएगा। बाकी जो चीजें हैं स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ डाउट या क्वेरीज हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, और ऐसी ही अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो थी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट में। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, जब तक